चैत्र नवरात्रि पर्व इस बार 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। वहीं पंचकुला में स्थित शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। इस बार दर्शन करने से पहले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी और एक श्रद्धालु 10 से 15 सेकेंड तक माता के दर्शन कर पाएगा। कोविड-19 को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने खास तैयारियां की हैं। श्राइन बोर्ड की ओर से 15 मिनट का एक प्लॉट बुक किया जाएगा और एक प्लॉट में ज्यादा से ज्यादा 180 श्रद्धालु होंगे। हर श्रद्धालु का माता के दर्शन के लिए 10 से 15 सेकंड मिलेंगे। बता दें कि श्री माता मनसा देवी में चैत्र नवरात्रि पर दर्शन के लिए आने वाले बुजुर्ग, विकलांग और जिन्हें चलने में दिक्कत है, उन्हें दर्शन करने के लिए 40 सेकंड दिए जाएंगे। वहीं श्री माता मनसा देवी शक्तिपीठ के पुजारी सुरेंद्र मोहन ने बताया कि इस बार चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होंगे और 21 अप्रैल तक समाप्त होंगे। उन्होंने बताया कि इस बार कोविड-19 के चलते मंदिर में विशेष प्रबंध किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लाइन में श्रद्धालु मुख्य मंदिर में पहुंचेंगे और माता मनसा देवी के दर्शन कर पाएंगे। इस बार भी कोविड-19 के चलते किसी भी प्रकार के श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। श्री माता मनसा देवी दरबार के पुजारी ने कहा कि 13 से 21 अप्रैल तक 9 नवरात्र हैं और हर वर्ष नवरात्र पर यहां पर लोगों की भीड़ होती है और देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के 54 शक्तिपीठों में से यह एक शक्तिपीठ है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते इस बार मंदिर प्रशासन द्वारा ये सारे प्रबंध किए गए हैं और ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बाद ही माता के दर्शन कर पाएंगे। पंडित जी, नवरात्र है इस बार, कौन से नवरात्र है, किस प्रकार से जो है कोविड के बीच में भक्त दर्शन कर पाएंगे? ये चित्र पक्ष के जो है चित्र पक्ष नवरात्रे हैं 2070 नया संवत है। नई संवत हमारा जो प्राचीन सभ्यता के अनुसार नवा संवत जो है 13 अप्रैल को शुरू होगा और उसमें पहला नवरात्रा है। 13 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक 9 नवरात्रे हैं और यहाँ जो है प्राचीन शक्तिपीठ माता मनसा देवी का मंदिर जो है यहाँ पर हर वर्ष जो है बहुत भीड़ होती है। लोग यहाँ पर देश विदेश से आते हैं और लोगों की बड़ी भावनाएं हैं। यहाँ पर जो है सारे उत्तर भारत में 54 शक्तिपीठ हैं और एक शक्तिपीठ माता मनसा देवी का यहाँ पर विराजमान है। 3 पिंडी स्वयंभू हैं, पहली पिंडी महालक्ष्मी की, दूसरी माता मनसा देवी, तीसरी पिंडी सरस्वती माता की। अब अपने रूप को जो है पिंडियाँ प्रदर्शित करती हैं और कोविड को चलते हुए यहाँ पर जो है हमारे जो है पूजा श्री बोर्ड ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। सैनिटाइजर वगैरह और टोकन वगैरह से ही, ऑनलाइन से ही लोग जो बुकिंग कराएंगे उनको ही दर्शन होंगे और जो है यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के और वैसे जगह जगह पर जो है पूरे प्रबंध किए गए हैं। तो प्रसाद भी अभी चढ़ा नहीं पाएंगे कोरोना के कारण? अभी जो है ये है कि अभी प्रसाद जो है अभी प्रसाद भी बंद किया हुआ है कि प्रसाद भी ना लाएं, खाली माता के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा दर्शन करने से पहले? अभी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा दर्शन करने से पहले ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो और लोग आराम से दर्शन करें, इसलिए व्यवस्था की गई है। कितनी कैपेसिटी एक दिन में रखी गई है, कितने लोग आ सकेंगे एक दिन में? अभी ये कर रहे हैं कि मतलब लोग आराम से आएँ और आराम से आकर के दर्शन करें और थोड़े समय को देख कोरोना को देख कोविड को देख जो है ना विचार करते हुए भाई आराम से दर्शन करके फटाफट चलते रहे। अभी समय निश्चित नहीं, समय अभी निश्चित नहीं किया। ये कहते हैं कि जो है लोगों की ज़्यादा भीड़ देखते हुए अगर ज़्यादा भीड़ हुई है तो उसके अनुसार फिर वैसे ही करेंगे जैसा मतलब। पूरा नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी, पूरा नाम सुरेंद्र। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।